इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन टू यू सीडोमोनोस सीडोमोनोस एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम होता है दैट मीन्स ये आपको पिंक कलर का दिखाई देगा जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे इट इज़ अ मोटाइल ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है और इसके पास मोनोट्राइकेट फ्लैजुला होता है मोनोट्राइकेट का मतलब होता है सिंगल फ्लैजुला इसके पास होता है ये जनरली पाया जाता है डिकम्पोजिंग मैटर पे जो डेड डिकम्पोजिंग मैटर होता है कहीं पे आपने कोई गाय मरी हुई देखी आपने कोई कुत्ता मरा हुआ इवन कोई मुर्गा पिजन कुछ भी एनी डेड डिक मैटर इवन जो लीव्स होती है जो इनमें से गिर जाती हैं वो लीव्स जो होती है उनमें भी आपको एक स्मेल आने लग जाती है दैट इज सीरोमोनोस सीरोमोनोस आपको स्टेगनेंट वाटर में रहता है जो ठहरा हुआ गंदा पानी होता है उसमें रहता है आप सॉइल में पाया जाता है डस्ट में होता है मतलब जितनी भी गंदी चीज़ें आपके इर्द गिर्द दिखाई देती हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है दैट इज सीरोमोनोस सीरोमोनोस एक ऑपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है ऑपरचुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो बॉडी को तभी अफेक्ट करता है जब बॉडी में ऑलरेडी कोई बीमारी होती है इट जनरली एंटर्स द ह्यूमन बॉडी बाई कट्स वूंद और बर्न जब भी बॉडी में कट वून या बर्न लगता है उसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और ये बहुत वाइडली स्प्रेड होता है हॉस्पिटल इन्वामेंट में अगर आपको याद होगा मैंने आपको नॉजोकोमियल इन्फेक्शन पढ़ाया नोजोकोमियल इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव एजेंट है दैट इज सीरोस सीरोस कैन कॉमनली बी सीन आपने देखा होगा कहीं पर जब आप चल रहे होते हैं जहाँ पर गार या डम होता है आपने देखा है वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल होती है दैट स्मेल इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विच यू कॉल अज सीडोमोनोज सीडोमोनोज जनरली डेड डिकेइंग मैटर में होता है और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ लोडेड विद दिस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए आपने देखा होगा आपको बताया जाता है अगर आपको लगी है तो इमिजिएटली उसे बंद करिए ये सिर्फ हीलिंग प्रोसेस के लिए नहीं है कि आप बैंडेड लगाएंगे तो आपका वूंद हील हो जाएगा हीलिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस और ये स्लोली ग्रेजुअली होती ही रहेगी मगर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के आपको अपने वूंड को ऐसे ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है बिकॉज योर एन्वायरमेंट इज़ फुल ऑफ सीडोमोनोस सीडोमोनोज से भरा हुआ होता है आपका एन्वायरमेंट और जितना आप अपने क्वार्ट्स वूंड बर्नस को खुला छोड़ेंगे तो दिस ऑपरचुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म विल एंटर इंटू योर बॉडी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग मेस ये ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजेनिस्टी है बेसिकली सबसे जो वर्स्ट थिंग इसमें है वो ये है कि इट हैज़ ए स्टिकिंग क्वालिटी स्टिकिंग क्वालिटी का मतलब होता है ये ये जब एंटर करता है ये स्टिक हो जाता है हमारी बॉडी के साथ ना। इट हैज़ एन एडहेरिंग क्वालिटी जिसे आप एडहेरिंग क्वालिटी भी बोल सकते हैं एडहेरिंग मीन स्टिकिंग तो ये आपके बॉडी के साथ एडहेर हो जाता है मतलब अगर ये बर्न में है तो ये वहाँ पर हडहर हो जाता है अगर किसी कट के पास ये चला गया है वहाँ पर चिपक जाता है और चिपकने से ये होता है कि ये नियर बाय टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज करता है और देर इज एन हाइपोथिस दैट कि इसमें जो कैप्सूल होता है इट इज़ अ कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म और इसकी इस एडहेरिंग क्वालिटी को इसकी कैप्सूल की वजह से इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स कैप्सूल विच हेल्प्स इट टू एडहेर टू द होस्ट सेल सो इट एड्स टू द वायरलेंसी ऑलवेज आपको भी पता है कैप्शूल इस जहाँ पर है वहाँ पर वायरलेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर वायरलेंसी फैक्टर में ये है कि इट हेल्प्स इट टू एडहरिंग जब ये इसको चिपकने में हेल्प करता है तो ये आराम से अपना काम कर लेता है ये ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स बनाता है इसके पास एंडोटॉक्सन्स होते हैं जो बेसिकली अगर हम उनका केमिकल कैरेक्टर देखें तो वो लिपोपोलिसकेराइट्स होते हैं जो ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है द करेक्टर ऑफ द लिपोपो एंडोटॉक्सिन एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग फीवर यूजली जब uh, ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को फीवर हो जाता है या ल्यूकोसाइटोसिस दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स विच जनरली गेट्स विजिबल वैन दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस ऑकर्स पहले भी मैंने आपको कहा जिससे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम और जिनका इम्यून सिस्टम या जो इम्यूनो इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं इम्यूनो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो होते हैं दे आर एट द हायर रिस्क इसीलिए आपने देखा होगा जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है या किडनी ट्रांसप्लांट जिनका किया होता है उनको अक्सर बोला जाता है आप मास्क पहनिए आप बिना मास्क के मत बाहर निकालिए या डायबिटिक लोग होते हैं उनको भी बोला जाता है आपको कट नहीं लगना चाहिए इसे खुला म जस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ अपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म गेट्स एडहेड टू दिस काइंड ऑफ पीपल एंड ड्यू टू देयर लोअर इम्यूनस सिस्टम दे uh, gets a chance of making the patient more and more problematic. उसको ज्यादा से ज्यादा problematic create करता है Students इस organism को अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं इफ़ यू the द to टू ग्रो इन द लैब आप इसको सिंपल न्यूट्रियट अगर न्यूट्रिएंट अगार इज़ द ड्रग ऑफ दिस न्यूट्रिएंट अगार इज़ द चॉइस आप न्यूट्रिएंट अगार पे इसको ग्रो करा सकते हैं आप इसको ब्लड अगार पे ग्रो करा सकते हैं अगर आपके पास हाई फाई मीडिया अवेलेबल है यू कैन गो फॉर ब्लड अगार आप इसके पास आप इसको ग्रो करा सकते हैं मेकोंग की पे अग इसको ग्रो कराने के लिए आपको कोई खास स्पेशल मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं है इवन इफ वैन इट ग्रोथ ऑन द न्यूट्रंट अगार आपको ब्लड अगार बनाने की जरूरत ही क्या है आप सिंपली यू जस्ट स्टे विद द न्यूट्रंट अगार एंड सी इट्स फिर इसकी कैरेक्टर्स देखिए आप इसके लिए कुछ भी आप पस ले सकते हैं सैम्पल आप ब्लड ले सकते हैं सैम्पल जिस पेशेंट को जिस किस्म का प्रॉब्लम होगा उस किस्म का यू नो इफ इफ इट इस कट अगर कट में से पस निकल रहा है या वून में से पस निकल रहा है तो आप पस को ही सैंपल लेंगे जनरली ये दो किस्म के इन्फेक्शन क्रिएट करता है वन इज कॉल्ड इज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिकटिक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन्स में कौन सा इन्फेक्शन कॉमन होता है आपने देखा होगा वून सेप्सिस जख्म पास तो पच्छे सो बड़ अजीब कंडीशन क्रिएट पेशेंट के अंदर दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज लोकलाइज लोकलाइज मीन्स जिसमें ये सिर्फ एक ही जगह पर एढ़र रहेगा अंदर नहीं जाएगा आपकी बो, आप इसको सुपरफिशियल भी कह सकते पेठ पैठे -पेट रोज बॉन वैस न किया उस चीज़ को हम ये कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लोकलाइज इन्फेक्शन या आपने देखा होगा पेशेंट्स uh, में uh, कुछ पेशेंट्स में uh, कान के ऊपर उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओटाइटिस एक्सटर्नल ओटाइटिस एक्सटर्नल ओटाइटिस कंडीशन होती है जब ये इन्फेक्शन ट्रामा पेशेंट्स को हो जाता है और एल्डरली डायबिटिक पेशेंट्स को इसमें इसका और एक नाम है उसको कहते हैं स्विमर्स एयर ठीक है या इसके अलावा और इसके सुपरफिशियल इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करता है रेस्परेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है लाइक like लोकलाइज्ड ही रहता है और योर चुनो यू नो इट डज नॉट मूव इट मीन्स लोकलाइज सिस्टमिक इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स सिस्टमिक इन्फेक्शन में बहुत कॉमन होता है बैक्टीरिया एंड अनादर इम्पॉर्टेंट इज सेकेंडरी निमोनिया और उसके बाद इसमें कॉमन इन्फेक्शन होते हैं स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शंस uh, ये चीज आपको याद रखनी है कि नीमो उतनी ज्यादा कोई सीरियस क्लिनिकल कंडीशन प्रोड्यूस नहीं करता है तब तक जब तक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ एन इनफ इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट सीटोमोस मगर आपको क्यों पढ़ाया जाता है आपको क्यों बताया जाता है ताकि अगर आपके पास कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसकी इम्यूनिटी किसी चीज़ की वजह से लो हो चुकी हो तो उस केस में आपको देखना है स्टूडेंट्स कि यू हैव टू टेक केयर कि उन लोगों को ये इन्फेक्शन ना हो जाए और उन लोगों को अक्सर ये इन्फेक्शन हो जाते हैं सो so, आपका जो मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट होता है वो फिर अलग हो जाता है इस केस में आपको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो आप देते हैं उसमें कॉमनली जो ड्रग्स दिए जाते हैं बीटा लैक्टम दीज आर द कॉमन ड्रग्स विच आर जनरली एडमिनिस्टर टू द पेशेंट्स अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये कुछ कॉमन ड्रग्स है जो इसमें दिए जाते हैं एडमिनिस्टर के यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द ड्रग्स आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है बट एज अ नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि दीज कैन बी यू नो